दोस्तों, एक समय था जब लोग इस धरती के बारे में अलग अलग अनुमान लगाते थे। लोगों को लगता था कि दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी की वह अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि उस समय में दूर यात्रा के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था। वो ज्यादातर पैदल ही अपनी यात्रा को पूरा किया करते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ बदलाव हुआ और लोग दूर दूर यात्रा करने लगे, जिसके लिए वो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। लेकिन फिर समय के साथ दुनिया ने और तरक्की की। अब वो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए सागरों और महासागरों को पार करने लगे। पर दोस्तों, शुरुआती समय में छोटी दूरी के लिए लोग अंदाजे से समुद्र में जहाजों को दौड़ा देते थे, लेकिन जब उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें रास्ता ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से अक्सर कुछ जहाज समुद्र में रास्ता भटक जाते थे और हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। और फिर इसी मुसीबत से बचने के लिए कई जगह पर बड़े बड़े लाइट हाउसेस बनाए गए, जो कि जहाजों को किनारे तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन समस्या ये थी कि लाइट हाउस से जहाजों को किसी निश्चित शहर या फिर स्थान को ढूंढने में ही मदद मिलती थी, लेकिन इससे समुद्री रास्तों और दिशाओं का पता नहीं लगाया जा सकता था, जिस वजह से समुद्र में बहुत सी घटनाएं होती थी। और फिर इसी समस्या से बचने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दिशा निर्देशित यंत्र बनाया गया था, जिसे आज हम कंपास के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कंपास का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया और कैसे उस समय दुनिया का एक प्रमुख यंत्र बन गया। दोस्तों, ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपास होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कंपास एक उपकरण होता है जो कि दिशा को इंगित करता है, यानी कि दिशा के बारे में जानकारी देता है। ये आज भी नेविगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक माना जाता है। हालांकि इस समय दुनिया में कंपास बहुत तरह के मौजूद हैं, लेकिन चुंबकीय कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास को सबसे अधिक कामों में लिया जाता है। और ये एक समय में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि कंपास शब्द लगभग हमेशा के लिए एक चुंबकीय कंपास को दर्शाया करता था, जबकि सदियों से इस प्रकार के कंपास के डिजाइन और निर्माण में काफी बदलाव आया है। हालांकि इसके काम करने के तरीके आज भी उसी आधार पर हैं जैसे शुरुआती दौर में हुआ करते थे। आपको बता दें, चुंबकीय कंपास में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जिसे पाइवट के जरिए जोड़ा जाता है, जिससे ये फ्रीली कंपास में घूम सकती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर अपनी धुरी पर घूमती है। दोस्तों, कंपास पहली बार कब प्रयोग में लिया गया था, इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि मैग्नेटिक वास्तु का कंपास में उपयोग करने का विचार पहली बार चीन में दिखाई दिया था। तकरीबन 1040 में लिखी गई पांडुलिपि वो चिंग त्सुंग याओ में एक लोहे की मछली का जिक्र है जो दक्षिण की ओर पानी में निलंबित थी। हालांकि भूमि नेविगेशन के लिए चुंबकीय दिशा खोज उपकरण का सबसे पहला वर्णन सोंग डायनेस्टी में लिखी एक पुस्तक में मिलता है। आपको बता दें कि 1088 में सोंग डायनेस्टी के विद्वान शेन कुओ ने लिखा था कि जब जादूगर सुई की नोक को लोडस्टोन से रगड़ते हैं तो ये दक्षिण की ओर इशारा करने लगती है, या फिर इसे एक हवा रहित स्थान पर लटकाया जाता है तो ये हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करने लगती है। यूरोप में चुंबकीय कंपास के सबूत पहली बार 14वीं शताब्दी के आसपास अमाल्फी इटली में मिलते हैं, लेकिन इस बात की कोई सबूत नहीं है कि पश्चिम में ही चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया गया था, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये चीन से व्यापार मार्गों के जरिए यूरोप लाया गया था, क्योंकि पश्चिम देशों के लिए समुद्री व्यापार और सैन्य लाभ कहीं अधिक सामरिक महत्व के लिए थे, जिसमें उन्हें किसी ऐसे ही यंत्र की जरूरत थी। उन्होंने चुंबकीय कंपास की तकनीक को चीन की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से बल दिया। फिर समय के साथ पुर्तगाली, स्पेनिश, डच और अंग्रेजी साम्राज्यों के क्रमिक उदय के साथ कंपास का विकास अटलांटिक महासागर के पार अन्य देशों में भी फैलने लगा। आपको बता दें, शुरुआती कंपास एक चुंबकीय सुई से बने होते थे जो लकड़ी या कॉर्क के एक टुकड़े से जुड़ी होती थी, जो पानी के पकवान में स्वतंत्र रूप से तैरता था। और फिर जैसे जैसे सुई स्थिर होती है, चिन्हित अंक जो सुई पर लगा होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर इशारा करने लगता है। फिर समय के साथ जैसे जैसे इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने चुंबकीय प्रभाव के बारे में और अधिक सीखा, तो उन्होंने और अलग अलग तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए। उन्होंने कंपास सुई को एक कार्ड के बीच में रख दिया, जिसमें कार्डिनल यानी चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया। इस तरह से दिशा पता करने में थोड़ी सी और आसानी हुई। आपको बता दें कि इस समय तक इस कंपास का उपयोग बैकअप के रूप में किया जाने लगा था। जब सूरज, तारे या अन्य स्थलों को नहीं देखा जा सकता था, तब इसका प्रयोग किया जाता था। फिर समय के साथ कंपास अधिक विश्वसनीय हो गए और खोजकर्ता समझ गए कि उन्हें कैसे आगे पढ़ना है और उनसे कैसे दिशाओं का ज्ञान करना है, जिसके बाद धीरे धीरे उपकरण एक महत्वपूर्ण नेविगेशनल यंत्र बन गए थे। हालांकि फिर भी 15वीं शताब्दी के आसपास खोजकर्ताओं ने महसूस किया कि कंपास द्वारा दर्शाया गया उत्तर पृथ्वी के वास्तविक भौगोलिक उत्तर के बिल्कुल समान नहीं था। चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और रियल उत्तर के बीच के इस वेरिएशन को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहा जाता है। और आपको बता दें,
ये हर स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास इस चुंबकीय कंपास का उपयोग करते समय डिफरेंस ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के करीब ये अंतर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे किसी स्थान को ढूंढने में 1 किलोमीटर का भी फर्क हो सकता है। आपको बता दें कि पुराने समय में कंपास का उपयोग ज्यादातर समुद्री मार्गों को ढूंढने के लिए समुद्री जहाजों में किया जाता था, लेकिन दोस्तों फिर समय के साथ जहाज लकड़ी की बजाय स्टील और लोहे से बनाए जाने लगे, जिस वजह से जहाज के लोहे कंपास नीडल के चुंबकत्व को प्रभावित करते थे, जिससे कंपास की रीडिंग में वेरिएशन होने लगा और इस अंतर को डेविएशन कहा जाता है। लेकिन फिर बाद में वैज्ञानिकों ने समस्या को ठीक करने के लिए कंपास के पास नरम लोहे की गेंदों और बार मैग्नेट रखने के तरीके को आजमाया, जो कि कामयाब रहा, जिससे कंपास की रीडिंग की सटीकता को बढ़ाने में मदद मिली। दोस्तों फिर तकरीबन 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में जेरो कंपास नाम के कंपास का आविष्कार किया गया, जो कि पृथ्वी के घूमने के आधार को सही उत्तर की ओर अंकित करके दिशा निर्देश देता है। दोस्तों इस प्रकार के कंपास का उपयोग आजकल के समय में भी अक्सर जहाजों और विमानों पर किया जाता है। दोस्तों फिर जैसे जैसे दुनिया ने उन्नति की, वैसे वैसे मेजरमेंट और दिशा निर्देशन के नए नए यंत्र आ गए। इसी तरह जीपीएस के आविष्कार के बाद जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ने कंपास की जगह लेना शुरू कर दी। आपको बता दें कि एक जीपीएस रिसीवर धरती के परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और धरती की निगरानी केंद्रों के साथ रिसीवर के स्थान को चिन्हित करता है। जीपीएस रिसीवर नक्शे पर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और ऊंचाई को भी दर्शा सकते हैं। इसके सिग्नल को जब तक किसी बड़े ऑब्जेक्ट द्वारा ब्लॉक नहीं किया जाए, तब तक इनकी रीडिंग सटीक होती है। दोस्तों जीपीएस जैसे यंत्र आने के बाद भी कंपास अभी तक एक मूल्यवान उपकरण माना जाता है। कई हवाई जहाज और समुद्री जहाज अभी भी दिशा नियंत्रण उपकरणों के रूप में अत्यधिक उन्नत कंपास का उपयोग बैकअप के रूप में करते हैं, ताकि किसी इमरजेंसी के समय इनका उपयोग किया जा सके। यहां तक कि छोटी नाव में नाविकों के लिए एक पॉकेट कंपास या डैशबोर्ड पर लगा एक मूल कंपास बना होता है, जिससे दिशा का अंदाजा लगाया जा सके। दोस्तों वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।